गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है कन्वर्ट पे। अब हम इस पे कन्वर्ट मुश्किल क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमको कन्वर्ट करना है। जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये है कि हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, हमको उनको इम्प्रॉपर में, सॉरी हमको यहाँ पे इम्प्रॉपर नंबर दिए हुए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए, हमको उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इनको कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7/3। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक इम्प्रॉपर है। 3 जो 7 जो है वो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और जो 3 है वो डिनोमिनेटर है वो छोटा। अब हमको इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको आपकी लास्ट क्लास में बताया था। अब इसमें हम देखेंगे कि हम इस इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसा हम नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन से हम इसको डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करके बहुत इजी से इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जो 7 है ये अंदर आ गया आपके ब्रैकेट में और 3 जो है वो बाहर आ गया। अब हम 3 की टेबल से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 बचेगा हमारा 1। तो 1 जो बचा ये हमारा रिमाइंडर बचा। तो इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे पॉइंट लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो 1 है यहाँ पे रिमाइंडर बचा, 2 जो है हमारा कोशेंट है और 3 जो है हमारा यहाँ पे डिवाइजर है। अब इसको हमको यूज़ कैसे करना, देखिए कि 2 नंबर तक तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 2 जो है हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीजर। तो 2 हम इसको प्रॉपरली यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब जो हमारे पास जो फ्रैक्शन में बचा है पार्ट, यानी अभी भी जो डिवाइड करने के लिए बचा है वो बचा है 1/3। तो यानी कि 1 हो जाएगा आपका न्यूमरेटर और 3 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो जो आपको जो नंबर बनेगा वो बनेगा 2/1/3। तो ये हो गया आपका, इस 7/3 को हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना। ध्यान रखिए कि जो आपका जो ये आंसर है ये यहाँ पे आपका इंटीजर वाला जो नंबर है उसकी जगह पर आएगा। जो रिमाइंडर है, जो ये आपका जो रिमाइंडर है ये आएगा आपका न्यूमरेटर पे और जो डिवाइजर है ये आएगा आपका डिनोमिनेटर पे। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से होगा। एक और क्वेश्चन हम इसका करके देखते हैं। यहाँ भी देखिए जो सेम हमने मेथड अप्लाई किया है यहाँ पे भी, कि जो 9/5 है ये फिर से एक इम्प्रॉपर नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे ये। तो 9 को हमने ब्रैकेट में अंदर लिया है डिवीजन के और 5 को हमने बाहर लिया। 5 को हमने जब 5 की टेबल से हमने 9 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5 1 5, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4। तो अब 4 इसके आगे तो ये होगा नहीं, तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। लेकिन हमने एक बार इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया तो ये हो गया इंटीजर। तो 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे कम्प्लीट नंबर में। जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा आपका न्यूमरेटर पे और जो आपका जो डिवाइजर है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जो नंबर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1/4/5। तो ये हो जाएगा आपका नंबर और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये आपके 2 एग्जांपल हैं और इस तरीके से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा नंबर है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए मैंने आपको करने के लिए एक बार सोचा है कि मैं आपको बता दूं करके। तो ये 20/13 है। तो इसको ये एक बड़ा नंबर है, ये भी इम्प्रॉपर नंबर है, इसको हमको मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि हम इसमें ब्रैकेट बनाएंगे पहले, फिर हम यहाँ लिखेंगे 20 और बाहर आएगा 13।
ये यहाँ पे भी बहुत सिंपल था। यहाँ पे भी देखिए आप करना वही है कि 13 की टेबल से आपको 20 को डिवाइड करना, तो 13 वन ज़ा 13 तो बचा आपका 7। अब ये जो 7 है ये आपका रिमाइंडर हो गया, तो जो 1 है वो आ जाएगा कंप्लीट नंबर पे और जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा और 13 जो है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यही एक सिंपल सा और एक बेसिक प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप एक इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखिए कि हमको एक छोटा सा एक नंबर दे दिया जाएगा, एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, हमको उसी के इक्वल फ्रैक्शंस बनाने हैं जिनकी वैल्यू उनसे ज़्यादा हो लेकिन जिनकी जिनका नंबर उनसे ज़्यादा हो लेकिन उनकी वैल्यू जो हो वो बराबर हो। अब ये कैसे होगा कि देखिए हम अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है 1/2 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3/6, तो हमको दिख रहा है कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो बराबर है। अब ये बराबर कैसे है कि जब मैं इसको और कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 3 वन ज़ा 3 और ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6, यानी नंबर आ जाएगा मेरा 1/2। यानी कि ये 1/2 सॉल्व होने के बाद, ये जो 3/6 है सॉल्व होने के बाद 1/2 ही बन गया, यानी इसी नंबर के बराबर बन गया। यानी कि ये सिर्फ देखने में बड़े थे लेकिन जो इनकी हकीकत में जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो बराबर है। तो ऐसे नंबर जिनकी देखने में जो नंबर जिनकी डिजिट्स बड़ी होती हैं लेकिन रियल में उनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इनको हमको बनाना कैसे है, देखिए बनाने के लिए जो इनका प्रोसीजर है वो आप इनको एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। पहला नंबर है हमारा 4/7। अब आपको क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि मेक 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ इसके या 3 बनाइए या 4 बनाइए, वो डिपेंड करता है। अगर आपसे जितने ही बोले जाए आप उसको इजीली बना सकते हैं। अब देखिए हमको करना ये है कि हमको कोई भी एक नंबर, जैसे कि ये जो 4/7 है ये मिनिमम नंबर है, इससे ज़्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें अगर हम एक एक करके हम नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसके अलग अलग नंबर हमको मिलते जाएंगे। अब जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम नंबर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू हम यहाँ पे करेंगे तो 2 नीचे भी करेंगे और 2 ऊपर भी करेंगे, तो एक ही नंबर को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 8/14। अब ये जो 8/14 है इसको जब हम वापस से डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, यानी वापस से 4/7 बन जाएगा। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया कि 8/14। अब हमको चाहिए दूसरा, तो दूसरे के लिए भी हम ये करेंगे 4/7। अब हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम इसमें अगला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 या आप चाहें तो 4, कोई सा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया 3, तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 12/21, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 7 3 ज़ा 21, तो इस तरीके से ही आपका हो गया दूसरा नंबर। अब हमको बोला है कि तीसरा नंबर, एक और नंबर निकालना है हमको, तीसरा नंबर हमने हमने यहाँ पे 5 लिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप अपने मन से नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 4 ज़ा हो जाएगा आपका 20 और 7 5 ज़ा 35, तो जो हमारे पास 3 नंबर आए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 8/14 12/21 एंड 20/35, यानी कि 4/7 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिनकी वैल्यूज उसके बराबर है वो 8/14 12/21 और 20/35। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, आपको इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। तो इस ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9/11, इसमें भी हमको सेम ही प्रोसीजर करना है।
सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 करा तो ये हो जाएगा 9 2 18 अपॉन 11 2 22। तो यानी 9 अपॉन 11 का जो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया वो आ गया आपका 18 अपॉन 22। नेक्स्ट हम करते हैं इसका, तो 9 अपॉन 11 इंटू, यहाँ पे हम हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम एक सा नंबर लें, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे भी हमने ले लिया 4, तो जो नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया यहाँ पे वो हमने यहाँ पे करा 4 मल्टीप्लाई, तो 9 4 30 11 4 44, तो ये हो गया आपका 36 अपॉन 44। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने करा 6 मल्टीप्लाई, तो 9 6 54 और 11 6 66। तो ये आपके जो हो गए, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि यहाँ पे हमारे जो 9 अपॉन 11 था उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 9 अपॉन 11 के जो फ्रैक्शन हैं इक्विवेलेंट वो हैं आपके 18 अपॉन 22, नेक्स्ट है आपका 36 अपॉन 44 और अगला है 54 अपॉन 66। सो इस तरीके से जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और हम किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं, और हम उसके आगे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं। अगर आपको बोला गया कि 2 निकालो तो आप यहाँ पे 2 निकालेंगे, अगर आपको बोला गया 3 तो आप 3 निकालेंगे, अगर आपको बोला गया 4 तो आप 4, 5 तो 5। मेथड यही यूज़ होगा, आप जितने चाहें उतने आप फ्रैक्शन यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।